करीब 25 दिनों के अंतराल के बाद डॉक्टर परविंदर कौशल ने डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति का कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। नौणी विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालते ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके करीबियों ने उन्हें बधाई दी। करीब 25 दिनों के अंतराल के बाद डॉक्टर परविंदर कौशल ने डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति का कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। नौणी विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालते ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके करीबियों ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि डॉक्टर परविंदर कौशल इससे पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड के बतौर कुलपति कार्यरत थे। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के ग्राम कहनी में जन्मे डॉक्टर कौशल नौणी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एमएससी वानिकी की पढ़ाई विश्वविद्यालय से हासिल की है, जिसके बाद फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ नैंसी से फॉरेस्ट्री में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर कौशल पिछले 35 वर्षों से शिक्षण, अनुसंधान और विकास, विस्तार और प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में अलग अलग संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी। इनमें से प्रमुख है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में वानिकी संकाय में डीन। नौणी विश्वविद्यालय में ये पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक और समन्वयक के रूप में डॉक्टर कौशल ने कई वर्षों तक कार्य किया। वहीं नौणी विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर परविंदर कौशल ने कहा कि बतौर कुलपति उनका मुख्य उद्देश्य देश व प्रदेश के किसानों तक पहुंचाना होगा। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भूमि में प्राकृतिक खेती करने की क्षमता है और इस तरह की खेती के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, उनका आभार, मुख्यमंत्री महोदय, उनका मंत्रिमंडल और सभी सरकार के जो हैं वो, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि इस विश्वविद्यालय को का मैं आगे जो है नेतृत्व कर सकूं। और आने वाले 3 सालों में मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम किसानों तक पहुंच सकें, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है किसानों के लिए बना हुआ होता है और किसानों की जो ज़रूरतें हैं इस विश्वविद्यालय को पूरी करनी है। इसके साथ साथ ही हम लोगों को, जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं, उनको सक्षम करना है। क्वालिटी एजुकेशन में हमें बहुत ध्यान देना होगा और इसके साथ साथ ये प्रदेश जो है, जो हमारा जो क्लाइमेट है, एक नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत सूट करता है, तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना होगा। अभी देखा होगा आपने, हमारा जो राष्ट्रीय बजट भी आया है उसमें भी इस चीज़ को माना गया है कि हम जो है नेचुरल फार्मिंग उसकी तरफ आगे बढ़ें, ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य की ध्यान दे सकें। जो हमारे नेचुरल ढंग से पेड़ पौधे उगते हैं, प्रकृति में पहले हुआ करते थे, उसी को वापस लौटाना है और उस फार्मिंग को बढ़ाकर हम प्रदेश के जो है सारे देश में उसका नाम एक लीडर्स के तौर पर स्थापित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना, अनुसंधान के क्षेत्र में जो है हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जितना उनका क्षमता है, योग्यता है, इसमें कोई कमी नहीं है कोई, मगर उनको और ध्यान देना होगा। कार्य करने की जो शैली है उसमें जो है गुणवत्ता लानी होगी, ताकि हम प्रदेश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक आई, मिलते हैं ब्रेक के बाद।